रंगनाथन महोदय का चक्रीय वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांत, रंगनाथन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, रंगनाथन द्वारा रिसर्च के क्षेत्र में दिया गया काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि स्टेप इन साइंटिफिक मेथड भी रंगनाथन द्वारा कहलाता है। तो इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो सिद्धांत दिया गया था, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, यह उन्होंने अपनी पुस्तक फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, इसके सेकेंड एडिशन द्वितीय संस्करण जो आया था, द्वितीय संस्करण में उन्होंने इसका जिक्र किया था, रंगनाथन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो चक्री सिद्धांत जो दिया, साइंटिफिक जो पुस्तकालय विज्ञान के जो फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकंड एडिशन में उन्होंने साइंटिफिक मेथड, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का चर्चा किया था। और उसने सबसे जो इसका प्रमुख था कि उसे कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया बताया था। मतलब एक जो रिसर्च है, रिसर्च उन्होंने कहा कि रिसर्च यहाँ से स्टार्ट अगर हो रही है तो ये चल रही है चल के ये, फिर उन्होंने ऐसे कहीं पर क्लोज नहीं किया, ये रिसर्च चलते रहेगा। आज अगर किसी ने कहीं पर रिसर्च छोड़ा है तो वो रिसर्च आगे चल के वो कोई ना कोई वहाँ से फिर स्टार्ट करेगा, कभी ये पूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने जो मुख्य विशेषता जो बताया था स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में, कि शोध कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई जहाँ पर शोध खत्म कर रहा है वहीं खत्म नहीं हो जाता। और उन्होंने पूरे इसको जो है अपने साइंटिफिक मेथड, जो स्पाइरल मेथड, उसको चार कार्डिनल बिंदु के तहत उन्होंने दर्शाया है। कितने कार्डिनल पॉइंट, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो चार कार्डिनल बिंदु के तहत दर्शाया है। और ये जो चार कार्डिनल बिंदु है उनको उन्होंने चार चरणों में प्रस्तुत किया है, चार चरणों में, फोर स्टेप में, चार उन्होंने बिंदु, चार कार्डिनल बिंदु है, और उस उन्होंने इसको इनको चार स्टेप में भी, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप में भी प्रस्तुत किया है इस तरह से। तो उन्होंने जो पहला, देखिए ये इस तरह का एक फिगर है जिसमें से एक बिंदु यहाँ से शुरू, देखिए कभी खत्म होने वाली नहीं प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर तीर का चिन्ह दे के छोड़ दिया है, मतलब कि एक तरह से इस तरह चलते जाता है। और ये चार जो बिंदु है, तो हम लोग चार कार्डिनल बिंदु कौन कौन से हैं उसका हम लोग जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो जो बिंदु है, जो सबसे पहले बिंदु है जो कार्डिनल पॉइंट का निचला, वह है नादिर। नादिर सबसे निचला बिंदु है, यह कार्य यहीं से प्रारंभ होता है, तो यह कार्य प्रारंभ का प्रारंभिक बिंदु है। इस बिंदु में अनुभवों, अवलोकनों आदि से ग्रहण किए गए तथ्यों का संचय प्रकट किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु जो यह होता है, वह दूसरा बिंदु होता है एसेंडेंट, मतलब चढ़ते हुए क्रम में। तीसरा बिंदु होता है जेनिथ, और चौथा बिंदु होता है डिसेंडेंट। तो यहाँ से ये इस तरह से गया, फिर ऐसे गया। तो दूसरा एसेंडेंट होता है, मतलब आरोही बिंदु। तो इसको जो है इंपेरियल लॉ, सांख्यिक उपकल्पना, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। पहले में तो तथ्य उस तरह ऑब्जर्वेशन से जो किया गया, दूसरे में इम्पेरियल जो है लॉ या स्टेटिस्टिक्स या हाइपोथेसिस का समावेश किया जाता। तीसरा बिंदु होता है जो सबसे शिखर पर अवस्थित होता है, वह कहलाता है जेनिथ। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि
रंगनाथन के चार कार्डिनल बिंदु में सबसे शीर्ष पर कौन सा होता है? जेनिथ। जेनिथ सबसे शीर्ष पर होता है और इस शिखर बिंदु में फंडामेंटल लॉज का समावेश होता है। इस बिंदु में क्या होता है? फंडामेंटल लॉज जो होता है, फंडामेंटल लॉज का समावेश होता है। और चौथा जो बिंदु होता है वह होता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट जो होता है चौथा बिंदु होता है और इस बिंदु में निगमनात्मक नियमों डेड्यूक्टेड लॉ का समावेश किया जाता है। इसके साथ ही शिखर बिंदु जो होता है, शिखर बिंदु पर जो भी सूत्रबद्ध किए जाते हैं, जो आधारभूत सिद्धांत वहां से जो प्राप्त किए जाते हैं, तो वे सारे नियम जो है अवरोही बिंदु जो होता है डिसेंडेंट वहां पर आके जमा हो जाता है। और इसके बाद पुनः जो है फिर जब ये एक तरह से फिर इस बिंदु के बाद चौथ फिर से एक नया फिर चरण शुरू हो जाता है पहला बिंदु का, और फिर से वो बिंदु आ जाता है नादिर। तो इस तरह से इसका जो स्टेप है इसको हम लोग नीचे देखते हैं कि क्या क्या ये चारों में चरण है। मुख्य रूप से ऊपर का हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा बिंदु है। तो सबसे नीचे नादिर हो गया, उसके बाद एसेंडेंट हो गया, फिर सबसे शीर्ष पर जेनिथ हो गया, और सबसे अंतिम जो चौथा हो गया वो डिसेंडेंट हो गया। इसका प्रक्रिया जो है ये चार चरण, पहला फेज होता है यह जो पहला फेज होता है वह नादिर और एसेंडेंट के बीच का फेज कहलाता है। जो यह फर्स्ट फेज कहलाता है इंपीरियल फेज। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है कि पहला चरण साइंटिफिक मेथड का जो रंगनाथन का स्पाइरल का उसका पहला फेज क्या कहलाता है? इंपेरिकल फेज। तो यह नादिर और एसेंडेंट के बीच का स्तर होता है और इसमें जो है शोध की समस्या की पहचान और अनुभूति की जाती है। तो यह किसके किसके बीच में है? पहला चरण क्या है? एम्पिरिकल फेज। और इसमें क्या कहलाता है? इसको जो पहला जो फेज होता है क्वाड्रेंट वन जो होता है वो एम्पिरिकल फेज होता है। और इसमें एम्पिरिकल और एम्पिरिकल फेज में जो है शोध समस्या की पहचान और अनुभूति की जाती है, रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा जो फेज कहलाता है जो कि एसेंडेंट और जेनिथ के बीच में होता है, दूसरा फेज जो एसेंडेंट और जेनिथ के बीच में होता है क्वाड्रेंट टू, उसको हाइपोथेसिस फेज भी कहा जाता है। और यह जो है इसमें शोधकर्ता हाइपोथेसिस का यानी उपकल्पना का निर्माण करता है। और तीसरा जो चरण होता है जो कि जेनिथ और डिसेंडेंट के बीच का होता है, तीसरा चरण जो जेनिथ और डिसेंडेंट के बीच का होता है यानी क्वाड्रेंट थ्री, वह कहलाता है डेड्यूक्टिव फेज। और इसमें इस चरण में जो शोधकर्ता जो होता है, शोधकर्ता द्वारा अपना जो हाइपोथेसिस जो उन्होंने क्रिएट किया था दूसरे फेज में उसका निष्कर्ष निकलता है, उसको परखा जाता है। तो इसमें तार्किक निगमन के द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने प्रकल्पनाओं से निष्कर्ष निकालता है। और फिर इसके बाद जो चौथा चरण होता है वह वेरिफिकेशन फेज कहलाता है, यानी जो आपका क्वाड्रेंट फोर जो होता है वह डिसेंडेंट और वापस से नादिर के स्तर बीच के स्तर का होता है। और यह क्या कहलाता है? कौन सा फेज कहलाता है? यह वेरिफिकेशन फेज कहलाता है। यह वेरिफिकेशन फेज कहलाता है। और इसमें आंकड़ों का संकलन विश्लेषण निर्वचन आदि किया जाता है। इसमें आंकड़ों का संकलन, उसका विश्लेषण, उसका जो इंटरप्रिटेशन, ये सारे कार्य चौथे कार्य में। और ये फाइनल फेज होता है। और इसके बाद पूरा जहां पर रिसर्च छोड़ा जाता है, किसी और द्वारा रिसर्च स्टार्ट किया जाता है, तो कुल मिला के रंगनाथन ने रिसर्च कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया के रूप में माना है। और यह साइंटिफिक मेथड जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड
रंगनाथन साहब द्वारा अपनी पुस्तक फाइपला ऑफ लाइब्रेरी साइंस के दूसरे एडिशन में इसकी चर्चा की गई थी।